गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो चिल्ड्रेन, टुडे इज़ अवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम हिंदी में एक नया व्यंजन सीखेंगे, पर उससे पहले हम छोटा सा एक रिवीजन करेंगे कि हमने कौन कौन से व्यंजन सीख लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने सबसे पहले हमने अपना व्यंजन सीखा था व्यंजन न, न, न से नल। ठीक है बच्चों, ये व्यंजन न है। उसके बाद हमने सीखा व्यंजन ल, ल, ल से लट्टू, ल से लट्टू। ज, ज, ज से जग, ज से जग। ट, ट, ट से टब, ट से टब। ब, ब, ब से बतख, ब से बतख। प, प, प से पतंग, प से पतंग। र, र, र से रथ, रा से रथ। म, म से मछली, म से मछली। ग, ग, ग से गमला, ग से गमला। क, क से कबूतर, क से कबूतर। फ, फ, फ से फल, फ से फल। व, व से वन, व से वन। ख, ख से खरगोश, ख से खरगोश। ठ, ठ, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। च, च, च से चम्मच, च से चम्मच। घ, घ, घ से घर, घ से घर। ड, ड, ड से डमरू, ड से डमरू। त, त, त से तरबूज, त से तरबूज। तो बच्चों, अभी तक हमने जो व्यंजन सीखे थे उसका हमने रिवीजन किया, और आज का हमारा नया व्यंजन है भ, भ। ठीक है बच्चों, तो हम अब अपनी हिंदी बुक में भ से जो संबंधित जो पिक्चर्स हैं, चीज़ें हैं, वो अब हम पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है बच्चों, आप अपने हिंदी बुक का पेज नंबर 56 खोलेंगे और यहाँ व्यंजन भ है, व्यंजन भ। तो आप यहाँ देख सकते हैं चित्र बना है, इसमें हम देखेंगे भा से क्या क्या चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कौन कौन से शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं भ से भवन, भ से भवन। भ, भा से भैंस, सबने देखी होगी बफेलो, भैंस, भ से भैंस। भ, भ से भेड़, भेड़ मीन शीप, भ से भेड़। भ, भजन, भजन,
भजन क्या होता है, प्रेयर जो करते हैं हम, सॉन्ग्स जो गाते हैं गॉड के लिए, है ना। तो क्या है ये, भजन। भ से भगत, जो गॉड से प्रेयर करते हैं, भ से भगत। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, भ से भगवान। भगवान से हम प्रेयर करते हैं ना सर, हाँ, भ से भगवान। तो बच्चों अभी हमने यहाँ जितने शब्द थे वो हमने, अब बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे भ से भालू। भालू, भालू सबने देखा है, आप जू गए हैं वहाँ पर देखा है भालू। भ से भालू। भ से भेड़। भ से भगत। भ से भवन। भ से भाई। भ से भारत। भारत मतलब इंडिया, जहाँ हम रहते हैं, इंडिया में रहते हैं ना, हमारी कौन सी कंट्री है, इंडिया। तो इंडिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत। भिंडी, भ से भिंडी। भिंडी क्या है, सब्जी है, हम खाते हैं भिंडी। भीड़, जब हम किसी मॉल में या कहीं भी जाते हैं मार्केट में, तो आप देखते हैं ना वहाँ बहुत भीड़ होती है, भीड़। भ से भीड़। भ से भटक। भटक मतलब खो जाना, भटक जाते हैं ना हम कभी कभी, खो जाते हैं, भटक। भ से भजन, तो यहाँ पर ये भगत भजन कर रहे हैं। भ से भाषा। भाषा मतलब लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो ये क्या है, भाषा। भोला, भोला मतलब सीधा, सीधा बच्चा, जैसे हम बोलते हैं ना भोला बच्चा, भोला। तो बच्चों अभी हमने बुक में से देखा कि भाषे क्या क्या शब्द होते हैं, अब हम सीखेंगे भा कैसे बनाया जाता है। जैसे हमने व्यंजन मा बनाना सीखा था ना, ऐसे ही भा भी है। तो हम शुरू करते हैं कैसे भा व्यंजन बनाया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक छोटा सर्कल बनाएंगे और सीधी लाइन खींचते हुए, और जैसे हमने व्यंजन मा बनाया था ऐसे सीधी लाइन और स्लीपिंग लाइन बनाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से हम एक स्टैंडिंग लाइन मतलब सीधी लाइन बना देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, व्यंजन भ। ठीक है, एक बार और देखेंगे, छोटा सर्कल बनाएंगे और सीधी लाइन लाके, और फिर यहाँ भी हम एक सर्कल बनाते हुए और स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ से सीधी लाइन स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया बच्चों, व्यंजन भ। तो बच्चों ऐसे ही आपको अपनी हिंदी बुक में पेज नंबर 57, यहाँ पर व्यंजन भ है, भ से, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है इस पिक्चर में, पानी भर रहा है, भ र भर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी बनाना है व्यंजन भ। कैसे बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, फिर सीधी लाइन खींचते हुए, फिर एक छोटा सा सर्कल बनाते हुए और स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ से स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया बच्चों, व्यंजन भ। नीचे एक गतिविधि दी गई है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको रेखा खींचकर, रेखा मतलब लाइन, भ व्यंजन भ जो अभी हमने
पढ़ा है और सीखा है, और भ से शुरू होने वाले चित्रों को मिलाना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए भ से कौन कौन से चित्र हैं, कौन कौन भ से भालू, भ से भेड़, भ से भिंडी, भ से भारत। ये भारत का क्या है, मैप है, मतलब नक्शा, मानचित्र। ठीक है, इंडिया का मैप है, तो भ से भारत। तो आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है बच्चों, और दूसरी गतिविधि में आपको क्या करना है, चित्र पहचानना है और शब्द बोलना है और भ लिखना है। जैसे भ से भिंडी, भिंडी बोलेंगे, भ से भगत, भ से भालू, भ से भैंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यंजन भ लिखना है और चित्र जो बने हुए हैं उनका शब्द बोलना है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में ये होमवर्क करना है। भ से भवन, ऐसे पिक्चर बनाएंगे और भ लिखेंगे और नीचे भी भ से भवन। ठीक है, भा व्यंजन लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको हिंदी नोटबुक में भा लिखना है और हिंदी की बुक में भी। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है, आपको करना है और इसे करके आप मुझे शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।